तो आप प्रश्न पूछ उनकी बात तो हुई। एक पॉइंट आया था, एक पॉइंट से पहले कि बात मेरी तो हो गई थी, आपने सुन लिया, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। एक हम निंदा करते हैं जो आज जो दृश्य आए हैं कि जंतर मंतर से आज जिस तरीके से पुलिस ने बल प्रयोग करके हमारे देश के गौरव, हमारी ऐसी बेटियां जिन्होंने देश के लिए तमाम मेडल लाए, उनको जिस दूरता से देश की पुलिस ने जंतर मंतर धरने से उठाने का काम किया है घसीटते हुए, उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और वो सरकार की घमंड और अहंकार के प्रतीक के रूप में ये कार्रवाई आज हर प्रत्येक देशवासी को इस कार्रवाई से ठेस पहुंची है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम देश की बेटियों के साथ हैं, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम देश की बेटियों के अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। बाकी एक और प्रश्न है, जो दिल्ली वाला अध्यादेश वो दिल्ली का है, दिल्ली प्रदेश का है, कांग्रेस पार्टी का जो स्टार ट्रायल होगा, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, अपने हरियाणा प्रदेश के बाहर के किसी विषय पे जो भी हमारा पार्टी का राष्ट्रीय स्टैंड होगा उस रूप में हम सारे हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ने जो कार्यक्रम चल रहा है, कितने जिलों को अब तक कवर की गई है? हमारा लगातार ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल, ये कार्यक्रम हमारा हरियाणा में चल रहा है। जिलों की बात नहीं, घर घर तक पहुँचने का कार्यक्रम है। हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, विधायकों ने के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हर विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव, हर वार्ड, हर घर तक कांग्रेस के संदेश को लेकर हम जा रहे हैं। ऐतिहासिक सफलता हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की हरियाणा में हो रही है। अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं, आज हरियाणा प्रदेश में जो मैं कह रहा था कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ लोग देख रहे हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। पिछले 10 महीने में 23 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, अलग अलग पार्टियों से 23 ऐसे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। शायद हरियाणा में चुनाव से एक साल पहले इतनी बड़ी ज्वाइनिंग कभी हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई हो। ये हर जिले से, हर बैकग्राउंड से, प्रदेश के हर इलाके से संबंधित है और इनमें से कई बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ भी, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब इतनी ज्वाइनिंग। और ये केवल मैं पूर्व विधायकों की या पूर्व मंत्रियों की गिनती बताई, लेकिन हर रोज़ कांग्रेस का परिवार मजबूत हो रहा है। जैसे आज भी हम फतेहाबाद आए, जो तो जुगलाल टुटेजा जी जो वहाँ के पूर्व चेयरमैन थे नगर पालिका नगर फतेहाबाद, उन्होंने ज्वाइन किया सभी साथियों का, तो हर रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है। कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है हरियाणा में, लोगों के मन में बदलाव, लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी जेजेपी जा रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आ रही है। हाँ, बहुत है, बहुत लोगों से हम बहुत काफ़ी लोग संपर्क में हैं, भाजपा के भी और जजपा के भी। जनसंवाद में मुख्यमंत्री का बंधक बनाया जा रहा है, तो बहुत लोग संपर्क में हैं समय समय पर। देखो हमें भी, हम सारे आज ही पते कर दें तो एक साल तक अभी चुनाव, तो आपको समय समय पर हम ज्वाइनिंग कराते रहेंगे और जो है समय पे बताएंगे आप। सबसे पहले क्यों बताएं, मगर हाँ बहुत लोग संपर्क में हैं। हाँ जी, तेईस पूर्व विधायक आ चुके हैं, चर्चा नहीं है, ये आ चुके हैं, ये ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन जो ज्वाइन होने वाले हैं उनकी तो आप समझ सकते हैं चुनाव के नजदीक जाएंगे तो कितनी बड़ी संख्या होगी, आप अंदाजा लगाएं। 2024 की बात कर रहे हैं, संगठन कब तक तैयार हो जाएगा और हमारा संगठन जो कांग्रेस में गुटबाजी है उसको कैसे? कोई गुटबाजी नहीं है, हमारी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और हमारा संगठन धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया चल रही है। डेलीगेट्स आ गए, SEC के आ गए, संगठन भी आने वाले दिनों में, जब कांग्रेस पार्टी उचित समय पे, जब हमें
संगठन डिक्लेयर का जो है सही जैसे जैसे विस्तार का जब जब जैसे जैसे मैं अपने कांग्रेस पार्टी के मजबूती को देखते हुए जो फैसले लेने होंगे वो हम फैसले लेते हैं। एक आम आदमी पार्टी का आरोप है कि विपक्षी मुख्य दल आप है लेकिन लोगों की जनता की आवाज आम आदमी पार्टी उठा रही है, कांग्रेस इस बात का आगे वो तो आदमपुर में भी उन्होंने आके बात की। आदमपुर में हमें आम आदमी आदमपुर के आम आदमी में भी हमें जो है उस समय केजरीवाल जी भी आए धवन मान जी भी आए पंजाब की जीत के बाद, लेकिन हरियाणा के लोगों को पता है, हरियाणा के आम आदमी को पता है कि कौन लड़ाई लड़ रहा है। आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ आपकी बात कि एक और किसान आंदोलन हो तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तोमर साहब कहते हैं कि इनको हुड्डा साहब इनको किसानों को का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। जब सरपंचों का आंदोलन हो तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस इनको समर्थन दे रही है। जब बच्चे स्कूलों के आगे बैठे हैं तो कंवरपाल जी कहते हैं कि ये कांग्रेस ने बिठाए हुए हैं। जब भर्ती घोटाले पे नौजवान सड़क पर निकले तो कहते दीपेंद्र ने बैठा रखा है। जब खिलाड़ी बैठे तो जो वो बीजेपी के सांसद हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई इनका साथ दीपेंद्र दे रहे हैं। तो ऐसा ये जो आरोप बीजेपी लगाती है, कोई भी अपना वर्ग अपनी जायज हकों की लड़ाई लड़े तो प्रजातंत्र में जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उनका साथ दे, उनकी आवाज उठाए। और अगर इस तरह के आरोप कोई लगाते हैं तो स्वीकार करते हैं। आपका जवाब जन संवाद, ये मुख्यमंत्री जी का जन संवाद है या जन अपमान कर रहे हैं ये इनका अंदाजा आप लगाओ। आप स्वयं सिरसा के अंदर तो आपने देख लिया वो जन संवाद। पहले तो 9 साल तक मुख्यमंत्री जी ने गांव की तरफ देखा नहीं, हरियाणा के गांव में कोई कार्यक्रम नहीं रखे। चुनावी साल में मुख्यमंत्री जी एक आगे भाजपा जजपा की निश्चित हार को देखकर और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की सफलता को देखकर कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ को उड़ाता के बढ़ते ग्राफ को देख के मुख्यमंत्री जी अब गांव की ओर उन्होंने रुख किया है। लेकिन कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले तो वीजा दिया देने का काम भिवानी में प्रोग्राम हुए तो 100-100 आदमियों को गांव के उसमें प्रोग्राम के अंदर, बाकी गांव बाहर, वो 100 आदमी के जो पास है वो MLA बांटेगा और ये चयनित ये करेंगे कि भाई कौन बोलेगा। हमने सरकार में भी रहे और हम विपक्ष में भी हैं, कभी हमने तो इस तरह की कोई बात कभी देखी नहीं। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो हर व्यक्ति जो कोई जायज अपनी मांग रखता है तो मुख्यमंत्री उसका तिरस्कार करते हैं। विवाह अपना सिरसा में तो बहुत से वीडियो आपके सामने आए, हर रोज ही वीडियो आते थे, लेकिन तो क्या उदाहरण दो। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत आदि हो गए मुख्यमंत्री 9 साल क्योंकि अफसरों के बीच में चंडीगढ़ रहे। और अब कोई भी अगर कहता है, यहाँ तक कि एक दलित विधवा अगर महिला भी अपने बच्चे के जाने पे चिट्ठे की जैसे अपने बच्चे के जाने पे अपना दर्द मुख्यमंत्री जी के आगे रखने की कोशिश करते हैं तो उसको भी कहते थे सिखा के आइए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा एक विडम्बना है, ये जन संवाद नहीं है जो आपने कहा, ये जन अपमान है। अगर संवाद है तो स्वयं संवाद है। मैं खास तौर पे पत्रकार साथियों से कहेंगे कि आपका हो गया एक नया रूट आया है। हाँ यस, एक बार मुझे आपका भी हो गया था, राजेंद्र जी का भी। आप दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार आपकी बनेगी, जो भी शिक्षा फतेहबाद में चिट्ठे का नशा बहुत ज्यादा है, कैसे इसको खत्म किया जाए? हमने कई बार ये बात कही कि जो चिट्ठे और नशे के को बिकवाने का काम में कोई अपराधी किस्म के लोग, उन लोगों को आज हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हरियाणा में परिवर्तन की लहर चल चुकी है, बदलाव निश्चित है, कांग्रेस की सरकार बन रही है और सरकार बनते ही उनसे अब उनके एक एक गुनाह का हिसाब किताब लिया जाएगा, या तो वो चिट्ठे का कारोबार छोड़ दें या हरियाणा छोड़ के भाग जाए। ये आज हम चेतावनी स्पष्ट रूप से देते हैं। साथ में जो नौजवान उनके इलाज के लिए पूर्ण रूप से सरकारी खर्चे पर सेंटर बनवा के और सरकारी खर्चे पे उनकी जो है रिहैबिलिटेशन के लिए सरकारी खर्चे पे पूरा इलाज करवाने का काम, नशा मुक्ति केंद्र
यहाँ पर सरकार की पूर्णतः सरकार की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र सरकारी व्यापक स्तर पर और पूरा खर्चा सरकार वहन करके उनको मैच तो ताकि वो सही अपने भविष्य की तरफ बढ़ सके। ये आज हमने चेतावनी दी है हमने आज। सब बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, हरियाणा के सर मंत्री की बहन पे द्रविंदर कमेटी की मीटिंग में एक संस्कार की राशि के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला उसके समय सामने आया है, एफिडेविट दी है। देखिए ये हर रोज जैसे मैंने कहा ये डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल इंजन की लूट मशीन है, डबल इंजन से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा लूटे। पहले उस रेस में दुष्यंत चौटाला और JJP आगे निकल गई थी, फिर ये आ गया यार इन्हें तो सब कुछ लूट लिया, फिर BJP के मंत्रियों ने कहा कि यार ये सब कुछ लूट गए तुम पीछे न रह जाओ सरकार तो। तो अब BJP के जो है एक के बाद एक घोटाले, मुख्यमंत्री जी के जो सबसे करीबी OSD थे उन पर जमीन का घोटाला सामने आया, एक दूसरे OSD थे उनका एक और घोटाला सामने आया, तो अब BJP वालों के घोटाले। सर ये घोटालों की सरकार है, डबल इंजन की लूट की मशीन, डबल इंजन से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपकी डबल इंजन में क्या रहा है कि सिंगल इंजन ये कुछ है डबल इंजन है क्या हमारा कोई आवश्यकता नहीं है। 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सक्षम है, कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, मजबूत है, और विशेष तौर से ऐसी पार्टियां इनेलो की बात हो या कोई और पार्टियों की बात हो जो हर मौके पे BJP का साथ देती है, राज्यसभा में BJP की वोट गिरते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में BJP की वोट डालने का काम करते हैं, ऐसी पार्टियों को कांग्रेस अपने हम अपने जनाधार के बल पे एक विधायक भी आया तो कल वो किस तरफ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि JJP ने तो 6 घंटे लगाए BJP को समर्थन डिक्लेयर करने में, इन्हें लोग तो 6 मिनट लगाती, तो ये प्रदेश के लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसी पार्टियों से कोई समझौता। आज नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, कांग्रेस सहित 20 पार्टियों ने विस्तार किए, आप राज्यसभा सांसद ने कल बात भी वहाँ बैठे थे, कितना जायज मानते हैं इसमें? देखिए बात यह है कि आज देश में कैसी परिस्थिति बनी सरकार सोचे, कल नीति आयोग की बैठक थी, 10 मुख्यमंत्री उसमें नहीं गए जो कि देश की बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 विपक्ष की। कभी प्लानिंग कमीशन की बैठक हमारे CPUP के समय ऐसा नहीं था कि कोई भी एक मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि जो अभी आज प्रधानमंत्री मोदी थी वो भी हर बैठक में, सारे देश के सारे मुख्यमंत्री देश की सरकार कहीं ना कहीं गरिमा लोकतंत्र की मर्यादा रखते हुए सबको साथ लेके चलने का प्रयास होता है। कल 10 मुख्यमंत्री नहीं गए, आज 20 विपक्षी पार्टियां नहीं गई, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है कि ऐसा माहौल ऐसा वातावरण विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए सारे विपक्ष को निशाने पे लेकर सरकार की क्या कार्यशैली रही होगी कि आज इस तरह का, नहीं तो देश की संसद का उद्घाटन। और दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि देश की संसद के उद्घाटन के लिए आज का दिन का चयन क्यों हुआ, क्या राजनीतिक दृष्टि से देखा गया देश की संसदीय परंपरा को? क्योंकि ये दिन देश की या तो इंडिपेंडेंस डे होता, रिपब्लिक डे होता, संविधान से जुड़ी हुई कोई बात होती, अगर व्यक्ति की बात आती तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कोई जयंती होती, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हुई जयंती होती, क्योंकि जिनका संविधान में एक रोल रहा, संविधान की वजह से आज देश की संसदीय प्रणाली हमारी कायम है, तो कोई ना कोई बात सरकार। लेकिन आज का जिनका चयन जो किया गया तो सरकार को इन चीज़ों पर, कई चीज़ों को राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जो ये लोग नहीं देख रहे, और यही कारण है कि देश में ऐसा वातावरण बना।